गाजीपुर में खानपुर थाना पुलिस को रविवार की देर शाम बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने क्षेत्र के शादी भाती गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान दो बाइक सवार तस्करों को गिरफ्तार किया। सोमवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश किया। उन्होंने बताया कि फंदे में आए अभियुक्त शातिर किस्म के तरसकार हैं। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा के साथ ही असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था के मद्देनजर खानपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र, सिधौना चौकी इंचार्ज सुनील कुमार के साथ रविवार की देर शाम गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिलने की कुछ तस्कर भरी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने शादी भागी गांव के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी बीच बाइक सवार तीन व्यक्ति आते दिखाई दिए। पास आने पर जैसे ही पुलिस ने रुकने को इशारा किया, वे बाइक घुमाकर भागना चाहे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया, जबकि एक फरार हो गया। एसपी ने बताया कि 20 किलो गांजा के साथ ही 315 बोर का दो तमंचा और कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुआ है। फंदे में आए तस्करों में सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के तराव निवासी ब्रिजकिशोर यादव और राजदीप यादव शामिल हैं। एसपी ने बताया कि अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया। फरार मुख्य अभियुक्त रूपक सिंह की तलाश की जा रही है, उसे भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ के साथ कांस्टेबल शुभम सिंह परिहार, शुभम कुमार, आकाश सिंह, रिंकू कुमार, अनूप पाठक, कुशल त्रिपाठी और कांस्टेबल धर्मेंद्र पटेल शामिल थे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।